नमस्ते जी जी अंक तुसे पता है कि मेरा नाम रजनी है ते आज फिर मैं थोड़े आस्ते एक नवा पकवान ले आई हां जिदा के ना है मां दा मदरा जेड़ा है ए इसी जनरली सारे साबुत उड़द दाल दे नाम कने पहचान दे पर जम्मू या हिमाचल च सी मां आखदे वैसे ते मैं आज इंदे कने मां दे मदरे कने चौल रखे पर ए जेड़े पिछली बार मैं खमीरे बनाए ओदे कने भी इदा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ते तुसे जरूर पसंद आओ। मां का मदरा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो दही, पौने कटोरी भीगी हुई साबुत उड़द दाल, 3 कप पानी, 2 तेज पत्ता, दालचीनी का 1 टुकड़ा, पिसी हुई बड़ी इलायची, अदरक, देसी घी, काटे हुए बादाम, किशमिश, कटे हुए काजू और हींग। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे और इसको घी को हल्का सा गर्म होने के लिए रखेंगे। इसके साथ ही इस थोड़ी हींग, क्योंकि हम आज ये साबुत उड़द दाल का जिसको हम माँ का मदरा कहते हैं बनाएंगे, तो इसमें हमें हींग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही थोड़ा सा अदरक। अब इसके साथ ही मैं ये बड़ी इलायची पीसी हुई, 2 तेज पत्ता और दालचीनी, इन सबको एक साथ डालूंगी ताकि इसका अच्छा खुशबू आए और ये इसके साथ खाने में भी अच्छा लगेगा। साबुत दाल साथ में डाल रही हूँ। थोड़ा हिलाएंगे हम। और अभी इसमें हम सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल। अभी इसमें ये थोड़ा सा मैंने दाल को भून लिया है और ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इस दाल को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस ये थोड़े थोड़े फटने चाहिए बस। अब हमने इसको बंद कर दिया है, ये 10-15 मिनट तक इसको पकने देंगे। एक विसल आने के बाद हम इसको धीरे कर देंगे। जब तक दाल उबल रही है तब तक हम इसके साथ ये चावल भी बना लेते हैं। माँ का मदरा और चावल का अपना ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए ये दाल उबल गई है, हमें बस ये इसको ऐसे ही रखना है, बिल्कुल थोड़े थोड़े ये फटने चाहिए, पूरे पकाने नहीं है। और मैं इसको इसमें छान रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो अलग से निकल जाए। चलो अब हम इसका तड़के की तैयारी करते हैं कि हमें ये माँ का मदरे का तड़का कैसे बनाना। तो इसमें हम देसी घी, अच्छा सा देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो रहा है, हम ये दही का मसाला तैयार करेंगे। हल्का सा मिर्ची, हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाल दी है तो थोड़ी हल्दी डलेगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक हमने पहले भी डाल दिया था और अभी हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। नमक और अब हम इसमें जीरा छोंक में लगाएंगे डालेंगे, साथ ही हम इसमें दही डाल रहे हैं। तकरीबन आधा किलो सारा दही हमें लेना है। खूब अच्छे से हिलाना है ताकि ये फट नहीं जाए। ये जैसे आप देख रहे हो कि दही ने घी को छोड़ दिया है, तो ये दही हमारा पक चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे ये दाल डालते जाएंगे। हैवी दाल होती है लेकिन बहुत ही टेस्टी। काजू, किशमिश और ये बादाम स्लाइस किए हुए, इन सबको, काजू को, बादाम को, सबको हमने स्लाइस कर लेना है। अभी इसको हम और 10 मिनट तक यूं ही धीरे धीरे हिलाएंगे ताकि दाल जो है दही में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये जैसे ये पकना शुरू हो गया है इसके अंदर, अब मैं इसका ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी जो है ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लो जी, माँ दा मदरा चौल ते पुदीने वाली चटनी तैयार है, तो तुसी इसी मिलाइए खाओ।
बादाम, काजू, किशमिश, दही, फ्रेश आई होप मेरी बनाई हुई डिशेज आपको पसंद आ रही होंगी और मुझे कई लोगों के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा है और आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि जम्मू के खाने का जायका जो है और लोग भी इसको शेयर कर सके। आप अगर चाहते हैं जम्मू की मैं कोई और डिश बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। थैंक यू।